नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। देख सकते हैं आप, जबरदस्त बारिश हो रही है। मैं हूँ नेशनल हाईवे 52 पर, ढिकलेरा से झालावाड़ के रास्ते पर मैं हूँ फिलहाल। और जो नज़ारा है भाई, गजब का नज़ारा है, गजब का नज़ारा है। दिन भर की उमस के बाद अब जो बादल बरसे हैं ना, वो झूम के बरस रहे हैं भाई। ऐसी ही बारिश की उम्मीद थी और उम्मीदों को बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। खरे उतरे बादल और आप देख सकते हैं झमाझम बारिश फिलहाल हो रही है। मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ 30 से 40 की स्पीड पर, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तेज में चला नहीं सकता। और ऐसे में मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप भी गाड़ी को धीरे ही चलाएं। ब्रिजवासी ढाबा आ गया है, मुझे लगता है कि इस रास्ते पर जाएं और ब्रिजवासी ढाबे पर ना रुकें, ऐसा हो नहीं सकता। गाड़ी को मैं साइड में लगा लेता हूँ, देखते हैं क्या कुछ एंजॉय हम करने वाले हैं। बाकी का अपडेट मैं आपको दूंगा यहाँ से फ्री होने के बाद। खाना खा के मैं निकल चुका हूँ ब्रिजवासी ढाबे से, ज़बरदस्त खाना था। अब लेकिन उससे भी ज़बरदस्त आप ये नज़ारा देखिए। गजब का ये नज़ारा भाई, गजब का। तो अब बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी है और बूंदाबांदी तो फिर भी अभी है, यानी कि अगर आप बाइक से जाएंगे तो बिल्कुल भीगेंगे। लेकिन मौसम में जो उमस थी ना, पूरी धुल चुकी है और हवा में ठंडक घुल चुकी है। बस देखते रहो, देखते रहो क्या नज़ारा है, गजब का ये दृश्य, मज़ेदार। देखें आप, सूरज बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो परछाई है वो सड़क पर आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे मौसम में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। और कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करके हम आए हैं और नवनिर्मित जो राम जानकी मंदिर है उनके भी दर्शन सुलभ हुए आज हमें, बहुत जद्दोजहद के बाद। उससे रिलेटेड वीडियो अपलोडेड आपको मिलेगा। क्योंकि क्रोनोलॉजी के हिसाब से वीडियोस अपलोड किए जाने चाहिए, क्योंकि पहले उस वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अमित मिलूंगा ऐसे ही किसी खूबसूरत वीडियो के साथ। सब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।